हिंदुस्तान ने वह कर दिखाया जो अभी तक किसी देश ने नहीं किया। हर हिंदुस्तानी को यह जानकर गर्व होगा और उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि जो अभी तक ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन और ना ही इसराइल कर सका, वह भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने कर दिखाया है। अपनी स्वदेशी हथियार प्रणालियों को निर्यात करने की इच्छा रखते हुए हाल ही में भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली अपनी एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम आकाश हथियार प्रणाली अस्त्र शक्ति मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां एक ही आकाश फायरिंग यूनिट द्वारा एक साथ चार एरियल टारगेट्स को निशाना बनाया गया। यह प्रदर्शन 12 दिसंबर को सूर्यलंका वायु सेना स्टेशन में अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था। टेस्ट्स के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि अभ्यास के दौरान चार टारगेट्स एक ही दिशा से एक ही दिशा में आ रहे थे और एक साथ कई दिशाओं से अपनी ही रक्षा संपत्तियों पर हमला करने के लिए विभाजित हो गए थे। उन्होंने कहा, आकाश फायरिंग यूनिट को फायरिंग लेवल रडार FLR, फायरिंग कंट्रोल सेंटर FCC और दो आकाश एयर फोर्स लॉन्चर AAFL लॉन्चरों के साथ पांच सशस्त्र मिसाइलों के साथ तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि खतरे को बेअसर करने के लिए आकाश फायरिंग यूनिट को टारगेट सौंपे गए थे और सिस्टम की क्षमता के अनुसार जब सिस्टम ने सक्रिय होने के लिए संकेत दिया तो कमांडर ने फायरिंग कमांड जारी किए थे। उन्होंने बताया कि दो आकाश मिसाइलों को दो अलग अलग लॉन्चरों से लॉन्च किया गया था और एक ही लॉन्चर को अगले दो लक्ष्यों के लिए सौंपा गया था। कुल चार मिसाइलों को थोड़े समय के भीतर लॉन्च किया गया और सभी चार लक्ष्यों को अधिकतम सीमा लगभग 30 किलोमीटर पर एक साथ सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान इस प्रदर्शन के साथ भारत एक ही फायरिंग यूनिट का उपयोग करके कमांड मार्गदर्शन द्वारा 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ चार लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला पहला देश बन गया है। आकाश एक मध्यम दूरी की मोबाइल सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल सैम सिस्टम है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डिजाइन एंड डेवलप और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL द्वारा प्रोड्यूस्ड है। निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार, सामरिक नियंत्रण और कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा विकसित किए गए हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम मध्य दूर तक फ्लाइंग टारगेट्स को निशाना बना सकती है। इसमें लड़ाकू जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों जैसे एरियल टारगेट्स को नाकाम और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है। यह भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के साथ परिचालन सेवा में है। आकाश मिसाइल सिस्टम्स विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध हैं। सबसे पहले आकाश मिसाइल का प्रारंभिक संस्करण, जिसे पहली बार भारतीय वायु सेना IAF 2009 में शामिल किया गया था। उसके बाद आकाश 1S स्वदेशी सीकर के साथ एक उन्नत संस्करण जो आने वाले लक्ष्यों को अधिक सटीक रूप से टारगेट कर सकता है। इसका टेस्ट मई 2019 में किया गया था और इसे 18 से 30 किलोमीटर की दूरी तक लड़ाकू विमान और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद आकाश प्राइम बेहतर सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ एक नया संस्करण जो लो टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड संचालन के लिए अनुकूलित है। इसका परीक्षण सितंबर 2021 में किया गया था। किसी भी चीनी हवाई हमले के खिलाफ लद्दाख क्षेत्र के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। उसके बाद आकाश न्यू जनरेशन, इसमें और भी बेटर एक्यूरेसी एंड क्विक रिएक्शन टाइम के साथ टारगेट डिस्ट्रॉय की क्षमता है और यह सैचुरेटेड यानी कि कई एक साथ हमलों के विरुद्ध हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्षम है।
और इसका दायरा बढ़ गया है। इस मिसाइल का सीमा 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक बढ़ गई है। इसमें डुअल पल्स मोटर है। आकाश बैटरी में एक राजेंद्र 3D रडार और 3 मिसाइलों वाले 4 लॉन्चर शामिल हैं, जो सभी आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 12 को नष्ट कर सकती है। एक आकाश समूह 5000 स्क्वायर किलोमीटर आकार के क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। आकाश मिसाइल का यूनिट कॉस्ट 2.5 करोड़ रुपीस है। लॉन्च प्लेटफॉर्म T-72 और BMP-2 जैसा टैंक्स और टाटा मोटर्स हैवी मोबिलिटी ट्रक्स हो सकता है, और यह BEML तत्र और टाटा मोटर्स हैवी मोबिलिटी व्हीकल में आसानी से एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आकाश के पास एडवांस्ड ऑटोमेटेड फंक्शनिंग क्षमता है। 3D रडार स्वचालित रूप से सिस्टम और ऑपरेटरों को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करते हुए लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को ट्रैक करना शुरू कर देती है। आकाश मिसाइल सिस्टम की इस असाधारण क्षमताओं को देखते हुए मीडिया में यह भी बताया गया कि फिलीपींस, बेलारूस, मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और आर्मेनिया ने भारत में निर्मित सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को खरीदने में रुचि दिखाई है। फिलीपींस ने संभावित रूप से भारतीय आकाश को हासिल करने के लिए मार्च 2021 में भारत के साथ एक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस सहित आर्मेनिया ने ₹6,000 करोड़ के 15 आकाश मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया। सिस्टम की डिलीवरी 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। भारत आर्मेनिया को इस साल के अंत में आकाश 1S सिस्टम डिलीवरी करने की उम्मीद है। रक्षा अधिकारी के अनुसार अर्मेनियाई आदेश के बाद ब्राजील और इजिप्ट ने भी रुचि दिखाई है। आकाश मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर में मार करने वाली एक अद्भुत और असाधारण मिसाइल प्रणाली है, और हमारे दुश्मन देशों से भारत की सुरक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। यदि आपको ऐसे जानकारीपूर्ण और मनोरंजक वीडियो में रुचि है तो टिप्पणी करें, और ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो पाने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। धन्यवाद।